महाराष्ट्र में उपजे राजनीतिक संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अठावले जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो हालात बने हैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मुझे लगता है जो हालत बनी है इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार संजय राउत को मानता हूं, क्योंकि संजय राउत जी ने उद्धव ठाकरे जी को पकड़कर बीजेपी से उनको निकालकर हटाकर उनको कांग्रेस एनसीपी के साथ ले जाने का काम संजय राउत जी ने किया है। संजय राउत जी हमारे अच्छे मित्र है, लेकिन जिस तरह मैंडेट महाराष्ट्र में मिला था 2019 के विधानसभा के चुनाव में 103 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटें आरपीआई को मिली थी और 56 सीटें शिवसेना को मिली थी, तो क्लियर मेजोरिटी का मैंडेट महायुति को मिला था। लेकिन मुख्यमंत्री पद के हव्यास के कारण संजय राउत जी ने उद्धव ठाकरे जी को कांग्रेस एनसीपी के साथ ले जाने का बहुत गलत काम किया था, तो इसके लिए संजय राउत उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि अब जिस तरीके का हालात बने हैं, कहा जा रहा है कि असली शिवसेना कौन है, आप किसको मानते हैं असली शिवसेना? असली शिवसेना कौन सी है, ऐसा सवाल अगर मुझे पूछते हैं तो इतने बड़े एमएलए तोड़कर इतना बड़ा बंड कभी नहीं हुआ था। शिवसेना छोड़कर छगन भुजबल भी चले गए थे, नारायण राणे भी चले गए थे, राज ठाकरे भी शिवसेना छोड़कर चले गए थे, लेकिन इतने बड़े एमएलए तोड़कर बाहर आने का इतना बहुत बड़ा डेरिंग किसी ने नहीं दिखाया था। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 42 एमएलए ने शिवसेना छोड़ दी है और भी 4-5 एमएलए शिवसेना छोड़ने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि भाई बहुत बड़ा महाभंड है। और असली शिवसेना कौन से, ये अगर आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मैं यही बताऊंगा कि 56 एमएलए में से अगर 42-43 एमएलए अगर एकनाथ शिंदे के साथ आई है तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, ऐसा मेरा मानना है। संजय राउत कह रहे हैं कि आप लोग आइए बात करिए, अगर महाविकास आघाड़ी से अगर बाहर आना है तो उस पर बातचीत की जा सकती है, एक तरीके से इंडिकेशन देना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से बहुत ज्यादा तल्ख जो है बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं इस बयान के ऊपर। मुझे लगता है कि संजय राउत जी का जो बयान है, इस बयान में ये बयान बहुत लेट बयान हो गया है, ये बयान उन्होंने पहले ही करना चाहिए था। और पहले ही मतलब जब एकनाथ शिंदे ने बंड किया उसके पहले ही उनके साथ बातचीत करके बीजेपी के साथ आने का निर्णय लेना चाहिए था। अभी हाथ से पूरा निकल जाने के बाद अभी हम तैयार हैं ये बोलना ठीक नहीं है। और अगर एकनाथ शिंदे जी बोलेंगे कि अगर उद्धव ठाकरे को आप लेते तो हम नहीं आएंगे, तो फिर मेजोरिटी बनेगी नहीं, सरकार फिर आना बहुत बड़ा मुश्किल है। आपकी किसी से बात हुई बीजेपी में इस बाबत, आपकी किसी बीजेपी के नेता से बातचीत हुई है इस पूरे घटनाक्रम पे? मैंने जेपी नड्डा साहब से फोन पर बात की है और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि भाई अभी जो एकनाथ शिंदे जी ने इतना बड़ा बंड किया है, इतने बहुत सारे एमएलए तोड़ दिए है, तो सरकार बनानी चाहिए, तो जरूर इस पर विचार करेगी, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। शुक्रिया। ये तो थे रामदास अठावले जी, उसी तौर पर साफ तरीके से महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचले हुई हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। कैमरामैन कमलदेव के साथ संदीप बोल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।